सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे चैनल पे आप हमेशा नॉलेज की वीडियो देखते हो, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते थे कि आप भैंस की सेल का कोई वीडियो नहीं डालते हो। तो हमारे पास जनरली इतना भैंस होता ही नहीं है, लोकल भैंस लेते नहीं है कि हम उसके ऊपर बार बार वीडियो डालें। सिलेक्टेड से जो एनिमल लेते हैं वो मैं ऑर्डर पे ही परचेज करता हूँ और वही एनिमल मैं सेल करता हूँ। तो आप लोगों की इच्छा को देखते हुए आज मैं आपको ये मेरा सेल का वीडियो डाल रहे हैं, और अंदर बैठ की वीडियो इसलिए बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि साउंड अच्छा नहीं आता, साउंड बाहर हम वीडियो बनाते हैं तो साउंड क्लियर नहीं आता, इसलिए हम पहले अंदर बैठ की ये वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद एनिमल को भी दिखाया जाएगा। तो मैं इनके बारे में बता दूं, ये गुंटूर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से मेरे फ्रेंड आए हैं। वैसे तो ये एक साल से मेरे पास से जानवर खरीद रहे हैं, और इनको देख के वहां पे बहुत सारे फ्रेंड भी इनसे भैंस लेते हैं इनके थ्रू, यानी कि मेरे पास से भैंस लेते हैं, इनके माफिया लेते हैं। तो आप वो इन्हीं के जुबानी आप सुनना कि ये कितने सेटिस्फाई है। वैसे तो एक साल से ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास विजिट इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। तो जितना भी एनिमल इनके पास में गए हैं, लगभग 8 गाड़ी के आसपास इनके पास एक साल में जानवर गए हैं, तो सभी 16 केजी से 25 केजी तक की बफेलो, और मोटा मोटी रेट की बात करें तो 1,30,000 से 2.5 लाख तक की भैंसे इनके पास गई हैं। वो आप इनकी जुबानी, पवन भाई की जुबानी ही सुन सकते हो। धन्यवाद पवन भाई, पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पहुंचने पे, स्वागत है अपने फार्म पे। 4 दिन से ये हरियाणा का अनुभव ले रहे हैं, हम बाहर विजिट पे भी गए हैं। तो अभी आप पवन भाई से इनकी जुबानी सुनिएगा। नमस्कार मालिक साहब, मैं आंध्रा से, आंध्रा अच्छमपेटा गुंटूर से बिलोंग करता हूँ। मैं मालिक साहब को एक साल से जानता हूँ, इधर से मैं 7-8 लोड तक लेके जा रहा हूँ। अभी मेरा ये 9th लोड है। मैं आंध्रा लोगों को अच्छी भैंस मालिक साहब के द्वारा लेके जा रहा हूँ। उधर बहुत खुश है लोग, वो बार बार रिपीट हो रहा है कस्टमर्स, उधर भैंस को देख के अच्छा मिल्किंग वाली को देख के उधर पसंद कर रहा है, इसलिए मेरे रिपीट हो रहा है कस्टमर्स। उधर मैं 16 से लेकर 25 लीटर तक भी भैंस उधर कस्टमर्स को दिया था मालिक साहब के थ्रू। प्राइस रेंज 1,30,000 से 1.5-2 लाख भी है। 4 टाइम मिल्किंग देख के मैं इधर से लेके गया। मैं 4 दिन से मालिक साहब के फार्म पे रह रहा हूँ। इधर चार टाइम दूध काटे पे तोल कर ये कस्टमर को दिलवाया था, ये आके 4 भैंस लिया है। मैं अभी जाके आंध्रा में लाइव मिल्किंग भी दिखाता हूँ, मेरा चैनल भी है उधर पवन डेयरी फार्म। मालिक साहब के पास भैंस लेके गया था पिछले लोड, उसका भी लाइव मिल्किंग दिखाता हूँ मेरे चैनल पे। ये उधर 20 तक भी दे रहा है, 25 केजी भी आई उधर। मैं लाइव मिल्किंग भी दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि भरोसा रहेगा इधर क्वालिटी ये देखकर उधर आंध्रा में लोगों को अच्छा उम्मीद रहेगा। आंध्रा जनों को अच्छी भैंस प्रोवाइड करने के लिए मालिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक यू पवन भाई, और हमेशा हमारा यही रहता है कि बाहर के जो आउट ऑफ स्टेट के जो बंदे आते हैं उनको ऐसी बफेलो दे ताकि वो जिस उम्मीद से आते हैं उनको उससे भी बेटर बफेलो मिले, और वो बहुत सारे सपने ड्रीम देखे, बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज करके इधर आते हैं, तो उनको बेटर से बेटर एनिमल प्रोवाइड किया जाए ताकि हरियाणा का नाम भी रोशन रहे और उनका डेयरी फार्म कामयाब रहे। पवन भाई का अपना यूट्यूब चैनल है आंध्रा में, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बफेलो प्राप्त कर ले सकते हैं आप इनसे। तो आप डिस्क्रिप्शन में पवन भाई का लिंक हम डाल देंगे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पवन भाई से डायरेक्ट उधर संपर्क, जितने भी हैदराबाद या आंध्रा के जो लोग हैं वो पवन भाई से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज का इशू नहीं रहता और आपके लिए कम्फर्ट रहता है। धन्यवाद।